समझो 500 रुपए तुम्हें मैं कल देता हूँ, बकाया कितने बच गए? अरे 500 300 तुम्हें अभी देता हूँ, कितने बच गए? 300 बकाया 200, हिसाब कमजोर है तुम्हारा? नहीं, 300 निकाले। हाँ, 500, 300, 800। तो फिर 200 परसों 200 तुम्हें और मिल जाएगा। हाँ, 1000 हो गए पूरे। पूरे हो गए, निकलो बाहर। सो अरे ये क्या तरीका है पैसे देने का? मेरे पैसे निकाल मत, ये कह रहा हूँ। ऐसे कौन देता किसी को पैसे यार, जिस तरह तुम मांग रहे हो। तो और क्या तरीका है पैसे लेने? पैसे लेने के बड़े बड़े तरीके हैं। अरे क्या? उसी तरह से पैसे मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलते हैं पैसे। कैसे मिले? मैं तुम्हें बताता हूँ पैसे कैसे मांगने चाहिए। अरे टक्कर ना देना मुझे। अरे नहीं, तुम्हें बताऊंगा ना पैसे जैसे मांगने चाहिए, फिर तो वैसे तुम मांग लेना। अरे यार जी, तुम मुझे बताओगे पैसे कैसे लेने? मैं ही बताऊंगा ना तुम्हें। यानी मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। जैसे मैं बताऊंगा तुमने वैसे पैसे मांगने हैं। यानी जैसे तुम बताओगे वैसे मैंने लेने। हाँ हाँ, वैसे ही। हाँ वैसे ही लेने हैं। हाँ वैसे ही। अब तुमने 1000 रुपए लेना ना मुझसे। 1000 रुपए फर्ज करना है कि मैंने तुमसे 1000 रुपए ले। अब मैं तुमसे 1000 रुपए लेने के लिए आया। अच्छा, और तुम कह रहे हो कि नहीं है। ठीक है, यानी मैं कहूंगा नहीं है। हाँ, तुमने कहना नहीं है। जब मैंने लेने हैं तो ये कैसे हो गया कि नहीं है? और यार फर्ज करना है, फर्ज करना है। अच्छा, फर्ज करना है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ तुमसे पैसे मांग। राम 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 राम। ये राम राम, चुप रखो जरा 2 मिनट। ये बालक कहीं मुझे धोखा ना देगा। अरे पैसे दे दो भाई। अरे कौन पैसे? पंडित जी, वो 1000 रुपए आपने लिए थे वो मुझे दे दे। पैसे कोई नहीं है, जाओ। पंडित जी मेरी माँ बीमार है, मैंने दवाई खरीदी। मैंने तुम्हें कहा था पैसे कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। पंडित जी पैसे दे दो, मेरे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। पंडित जी अगर पैसे ना मिल सके तो मैं माँ की दवाई नहीं लूंगा। मैंने कहा ना पैसे नहीं है तो मेरी माँ मर जाएगी। पंडित जी मर गए, मुझे क्या? पैसे कोई नहीं है। ऐसे नहीं, जिनकी माँ मर जाती है उनके लिए दुनिया सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरी माँ को बचा लो पंडित जी, 1000 रुपए दे दो, खुदा के लिए 1000 रुपए दे दो। नहीं, कोई पैसा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मेरा तो बाप भी लेगा 1000 रुपए। इन हिंदुओं को मैंने ऐसे मार मार के सीधा कर देना। यानी पैसे ऐसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं। बस ठीक है, मुझे तरीका आ गया, अब मैं पैसे लेने आता हूं। मैंने तो तुम्हें समझाया ये परसों करना है। ना ना, ये पैसे भी आज लेने हैं तो बताना भी आज। मैंने तो तुम्हें बताया ना ये परसों करना है। नहीं नहीं, आज ही बताएगा, आज ही पैसे देगा। मैं लेने आ रहा हूँ, बस यहाँ खड़ा हो जा, अब मैं पैसे लेने आ रहा हूँ। मुझे सारा तरीका पता लग गया पैसे कैसे। लाओ मेरा 1000 रुपया दो। तुमने बंदा किसी के घर मुंह उठा के ऐसे आया, दरवाजा खड़का के आता। चलो नमस्ते, 1000 रुपया दो। दरवाजा खड़काया। हाँ? जब बाहर बेल लगी हुई है, बेल क्यों नहीं बजाई है? लाओ आप 1000 रुपया दो। बेल बजाइए। हाँ? हमारे तो घर का मीटर ही कटा हुआ, कहाँ से बजाइए? आखिर तो इसने मारना ही है ना। लाओ अब तो मैंने बेल भी बजाई है और दरवाजा भी खटखटा दिया। 1000 रुपया दो मेरा। हैं? 1000 दो मेरा। कितने हैं? 1000। ये लो 1000 रुपया। तुम कहो नहीं देने। ऐसे नहीं, तुमको मैंने नहीं देने। नहीं नहीं, दे रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं नहीं, एक मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ, ऊपर से लेते भी नहीं है तुम्हारी।
दुनिया देखेंगे। राम राम राम। क्या बात? ओ मैं तो मास्टर जी नाश्ता लेके आना था। कौसर, कौसर बेटी, कौसर। जी मास्टर जी। कौसर बेटी वो जरा शहजादे से कहकर नाश्ते का बंदोबस्त करवा दो। मास्टर जी वो तो नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ है। है? अभी तक वापस नहीं आया। मास्टर जी आपको तो पता है उसको बातें करने की आदत है, बैठ गया होगा कहीं बातें करने के लिए। आने दो आज उसको, मैं कान खींचता हूँ उसके। हाँ पता है, डेली यही बात करते हो, जब सामने आता है तो मुस्कुराने लगते हो। अरे कौसर बेटी वो है ही ऐसा, मैं ही क्या, सभी उसे देख के मुस्कुराने लगते हैं। आप उसे निकाल के कोई और मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते? अरे कौसर बेटी तुम तो जानती हो कि भाई शहजादे का जो दादा जान थे वो मेरे दादा जान के पास काम करते थे, और शहजादे का वाली मेरे वाली साहब के पास काम करता था, और ये शहजादा ये मेरे पास काम करता है। मैंने कभी इसको मुलाजिम नहीं समझा, हमेशा इसको अपना बेटा समझा। वो तो ठीक है, लेकिन देखे ना सुबह से गायब है, अब तो सूरज भी निकल आया है। अच्छा बेटी तू परेशान ना हो, बस आता ही होगा। शहजादा चुप, रो क्यों रहे हो? बेटा ये बताओ रो क्यों रहे हो? देखो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बताओ तो सही, रो क्यों रहे? ना पूछे मास्टर जी, ना पूछे। ठीक है नहीं पूछते। नहीं नहीं पूछे, खुद तो कह रहे हो कि ना पूछो। पूछे तो सही। अच्छा हुआ क्या है? प्लीज ऐसे मत रो। तो सर तुम ही समझाओ इसको। क्या हुए? शहजादे मास्टर जी मैं सुबह ना वही रोना रखो जो मेरे सामने है। मास्टर जी वो शफीक मानी मिला, उसने कहा चाय पीते हैं। अच्छा मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। मैं ऐसे करके चाय के खोके में जाके बैठ गया। शफीक ने भी चाय पी, मैंने भी चाय पी। मुझे एकदम याद है मैंने तो यार नाश्ते के लिए ब्रेड खरीदनी है। मैं बेकरी में भागा, ब्रेड खरीदी। जैसे मैं बाहर आया मैंने क्या देखा? क्या देखा? अरे क्या देखा मास्टर जी? पांच कुत्ते। पांच कुत्ते और तुम अकेले? मास्टर जी मुझे कुत्ते कहते आज तुम्हारे साथ फैटिंग फैटिंग करनी है। मैंने कहा भाई तुम पांच हो, मैं अकेला हूँ, मैं दिल का भी छोटा हूँ, बारी बारी आजो देख लेते हैं। फिर वो आ गए कुत्ते। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मास्टर जी? मैंने उनको कहा कि तुम यहाँ खड़ो मैं अभी आता हूँ। अच्छा। मैंने चक्कर दे के जैसे मैं भागा कुत्ते मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे कुत्ते पीछे पीछे, मैं आगे आगे कुत्ते पीछे पीछे, आगे भी कुत्ते पीछे भी कुत्ते, नहीं आगे कुत्ते पीछे मैं। चक्कर दे के घर तक पहुंचा, घर का एड्रेस भूल गया था। तू कुत्तों की मेहरबानी है, घर तक छोड़ के बड़े वफादार थे। अरे देखा ना कौसर बेटी, मैं ना कहता था कि इसकी बातें सुनकर मैं ही नहीं सभी मुस्कुराने लगते हैं। जी जी वो तो मैं देख ही रही हूँ। इसे कहें जल्दी करें, मुझे स्कूल से देर हो रही है, नाश्ता तैयार करके दे। कुत्ते जा बेटा जल्दी से नाश्ते का बंदोबस्त करके। अभी नाश्ता लेकर आया। नाश्ते में क्या पसंद करेंगी आप बीबी जी? दो ब्रेड और एक हाफ फ्राई ले आओ। हाफ फ्राई? हाँ। बहुत शरारती है। अच्छा कौसर बेटी जी तुम नाश्ता करके स्कूल जाओ। हाँ? मैं जरा हैदर अली का पता करके आता हूँ। मास्टर जी आपको तो हैदर अली का पता होगा ना? कमांडर साहब बता रहे थे की हैदर अली और कुछ मुजाहिदीन कुपवाड़ा छावनी किसी मिशन से गए हैं, बस इसके आगे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मास्टर जी अगर हैदर अली आपको मिले तो उसको कहना कि अपने खैरियत की इत्तला तो दे दे। बेटी तुम्हारा खावन जिहाद पर गया है, तुम लोग उन लोगों को क्यों भूल जाते हो जिनके बेटे आजादी की जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं आए? क्या क्या वो लोग पत्थर के थे? नहीं बेटी, उनके दिल और सीने में इतना जिगरा था
कि वो आजादी की तरह में ये सब भूल गए। अब कोई भी उनकी आजादी के लिए उनसे ये हौसला और जज्बा नहीं छीन सकता। हाँ कौसर बेटी, तुम भी अपने अंदर और स्कूल में जिन बच्चों को पढ़ाती हो उनके अंदर वही जज्बा और वही हौसला पैदा करो। बेटी आजादी ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जी मास्टर जी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ और स्कूल के बच्चों को भी बताने की कोशिश करती हूँ कि आजादी हमारा हक है, और बते उनको जिहाद के बारे में भी तरबियत दी जाती है। शाबाश कोसर बेटी, अगर यही अहद हमारी कश्मीरी औरतें कर लें कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर और सियासतदान बनाने की बजाय मुजाहिदीन बनने की परवरिश देंगे, तो बेटी वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया कश्मीर को आजाद होता देखेगी। इंशाल्लाह, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा कश्मीर और हम हमेशा ऐसे ही हंसते बसते रहे। और अपना हक हम लेके रहेंगे। आपको पता है मैं जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको बताती हूँ कि आजादी जो है वो हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी आजादी। मास्टर जी नमस्ते। वर्मा, कैप्टन वर्मा नाम है मेरा। पूरा कश्मीर हमारा गुलाम है और कश्मीर का बच्चा बच्चा डरता है हमारे खौफ से, और जहां से गुजर जाओ लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं खौफ के मारे। मास्टर, उग्रवादी और बागियों को कुचलना मशगला है मेरा। बता बता हैदर अली कहाँ है? बता मास्टर, हैदर अली कहाँ है? बता। नहीं जानता मैं। क्या क्या कहा? तू नहीं जानता तो फिर कौन जानता है? हमारी इत्तला के मुताबिक रात को छुप छुप कर इस घर में आता है। हमारे मुखबर ने उसे यहां आते देखा है। अब कहां है यही पूछना है तुझसे। बता, मैं पूछता हूं कहां है हैदर अली? बता बता कहां है हैदर अली? बड़ा बड़ा ताकत है तेरी बुढ़ी हड्डियों में, बड़ी ताकत है। इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं, ये ईमान की ताकत है कैप्टन। तू तो क्या, तेरी सारी इंडियन आर्मी भी मिल जाए तो मुझसे मेरे मुजाहिद हैदर अली का पता नहीं पूछ सकती। जानता है मास्टर, मैं वर्दी क्यों नहीं पहन के आता तेरे पास? क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पवित्र वर्दी पर तुम्हारे गंदे खून के छींटे लगे। पता नहीं क्यों क्यों तुझ पर तरस आता है, मुझे तरस आता है तुझे देख के। वार्निंग, जस्ट वार्निंग, पहली और आखिरी। बता दे हैदर अली को कि खुद सरेंडर कर दे, वरना उसके साथ साथ तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगा। है मेरे परवरदिगार, है दो जहादों के मालिक, कश्मीरी मुजाहिदीन को दुश्मनों पर फतह देना। है मेरे परवरदिगार, मेरे परवरदिगार, अब हम अपने बच्चों का खून नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। रब्बे जुल जलाल,
हम अपनी बेटियों को बेवा होते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते मालिक। इस कश्मीर मालिक, इस कश्मीर की धरती पर बहुत खून बहा है, अब हम और खून नहीं देख सकते। रब्बे कायनात, तुझे वास्ता है तेरे प्यारे हबीब का, कश्मीर को आजादी दे दे। मास्टर जी, जगत बहन, मास्टर जी। अरे बहन, खैरियत तो है, क्यों रो रही हो? मेरा घर शोलों की नजर हो गया मास्टर जी। हिंदुओं ने मेरे घर को आग लगा दी मास्टर जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे जलकर मर गए मास्टर जी, मर गए जलकर मास्टर जी। चुप कर जा मेरी फैज, चुप कर जा। अल्लाह को यही मंजूर होगा। कब तक आखिर, कब तक मास्टर जी हम पर ये जुल्म सितम होता रहेगा मास्टर जी, कब तक? उस वक्त तक जन्नत बहन, जिस वक्त हम अपनी आजादी का झंडा दुश्मन के सीने पर गाड़ नहीं देते। मास्टर जी, पूरी दुनिया के मौसी से हम कश्मीरियों का तमाशा देख रही है। क्या हम इंसान नहीं है? जानवरों से भी पत्थर सलूक किया जाता है हम कश्मीरियों के साथ। कोई है जो हम कश्मीरियों की पुकार सुनकर नारे तकबीर। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भारत सरकार ये सारा कुछ देख रही है, और मास्टर ये बात सुन लो कान खोल के, अनकरीब बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ये सब चीजों का खात्मा हो जाएगा। रब्बे कायनात, तुझे वास्ता है तेरे प्यारे हबीब का, कश्मीर को आजादी दे दे। जगत बहन, अरे बहन, खैरियत तो है, क्यों रो रही हो? मेरा घर शोलों की नजर हो गया मास्टर जी। हिंदुओं ने मेरे घर को आग लगा दी मास्टर जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे जलकर मर गए मास्टर जी। मोहनदास नाम है हमारा, पूरा इलाका हमें जानता है। इलाका तो कुत्ते बिल्लों को भी जानता है, और वैसे भी इस पूरे इलाके में एक तुम ही टकले हो, और अंदर की बात ही मैं जानता हूँ। वो क्या? तुम मोदी के यार हो। खामोश रहो बालक। बालक ना कहो, मुझे सारा पता है। तुम इंडियन आर्मी और डीसी के साथ मिलकर हमारे मुजाहिदीन को पकड़वाते हो, उनको छापे डलवाते हो, उन्हें गिरफ्तार करवाते हो। राम राम राम, कितनी लंबी जबान हो गई है तुम्हारी, कुत्ती से खेच लूंगा मैं तुम्हें, बताओ। हाँ, बदतमीजी ना करना। बदतमीजी ना कहो, एक बात याद रखो, हम मुसलमान जब किसी बात पर इत्तेहाद कर लेते हैं तो हवा की भी जरूरत नहीं हमारे इरादों को मोड़ सके। राम राम, मैं तो एक फूंक मार के तुम्हारा रुख मोड़ सकता हूँ। फूंक मार के? हाँ। वाह 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 वाह, आज हमें भी तो दिखाओ तुम्हारी फूंक में कितना असर है। अच्छा, हाँ? देखना चाहता है? हाँ? तो आंखें बंद कर, हो जाता यार। आंखें बंद कर? हाँ? ये ले भाई। क्यों नहीं छाऊं मैं चिंता मां मैं शत्र वे चत्र वे समा चुत मत करे आय छम पर लखो बनि हो श्री भावते रोचते रमचते बटो को आय छलो जिन तिन चंदवा चित।
अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये इस्लाम है और हम मुसलमान हैं, ये चराग ऐसे फूकों से कभी नहीं बुझते होते। अब मैं तुम्हें अपनी फूक का असर दिखाता हूँ, हो जा तैयार, तुम्हें पता लगेगा ईमान की कितनी ताकत होती है। तुम आंखें खोल के रखो, हम आंखें बंद नहीं कराते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर। भाग रे हिंदू भाग, कश्मीर छोड़ के भाग, भाग रे हिंदू भाग, कश्मीर छोड़ के भाग, भाग रे हिंदू भाग, कश्मीर छोड़ के भाग, भाग रे हिंदू भाग, कश्मीर छोड़ के भाग। राम राम राम, हे भगवान, इन मुस्लिमों में इतना इत्तेहाद कैसे हो गया? हम मुसलमानों में इत्तेहाद ही है, और याद रख, जब पूरी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेहाद हो गया तो तुम लोगों के साथ वो होगा, तुम्हें कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आज भी कहता हूँ, मोदी की हमारे छोड़ दो और कश्मीर छोड़कर दफा हो जाओ। अरे हम क्यों छोड़े कश्मीर? कश्मीर हमारे बाप दादा की जन्मभूमि है, यहाँ के शमशान हमारे, यहाँ के मंदिर हमारे, यहाँ के बाग हमारे, यहाँ की गलियाँ हमारी, और तो और पवित्र गंगा भी यहाँ से निकलती है, हम क्यों छोड़ेंगे कश्मीर? कश्मीर छोड़ते हो गए? नहीं नहीं, जूता मत मारना, तुम्हारे फूंक में इतना असर है तो जूते में कितना होगा? देखो ना भाई, इतनी मेहनत से जूती उतारी है, हाथ में भी ले ली भाई, एक आध तो खाए। नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया। कोई बात नहीं, ये स्वीट डिश समझ लो। लेकिन मुझे तो शुगर है। इसको इंसुलिन समझो। मेरा ख्याल है भाई, पब्लिक की भी यही डिमांड है, मारना चाहिए ना भाई। देखो मुझसे तो तुम क्या हो गया, मुझसे तो एक खा लोगे, ये 700 बंदा कैसे खाओगे? नहीं नहीं, चलो तैयार हो जाओ, हम जरा पूल पोजीशन से आते हैं, तैयार हो जाओ। अरे मार भी दे, जूता क्यों तरसा रहा? मार रहे हैं, मार रहे हैं। राम राम, हे भगवान, जहाँ जूता पड़ना है वो जगह सुन करते, वो जब पड़ेगी अपने आप सुन हो जाएगी। राम राम राम, हो व्हाइट बॉल। अरे मार के जूता इजी कर दे, मैंने डीएसपी महाराज के दर्शन को जाना। पहले जूती महाराज के दर्शन तो कर लो, फिर डीसी महाराज के पास भी जाना। चलो तैयार हो जाओ। अबे मार दे जूती। लेकिन हम तुम्हें जूती नहीं मारते, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंतकाम लेने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बेहतर। ये फैसला मैं अल्लाह पर छोड़ देता। अरे अरे अरे, चुक चुक जियो बाला, अरे चुक चुक जियो। तुम्हारा ये अमल देखकर मेरा भी मुसलमान होने को दिल कर रहा। सुभानअल्लाह। वाह पंडित, सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। अरे पंडित, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या आपका मुसलमान होने को दिल कर रहा? हाँ कभी कभी करता है। ये क्या कर रहे हो शहजादे? मास्टर जी, जूती में कील फंस गया था। ये कील जल्दी से निकाल लो, मुझे यहाँ तक तकलीफ दे रहा। अरे पंडित, आप तो शहजादे जी मास्टर, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो यार इनके लिए। हाँ जी, बनता तो जहर है। अभी ला। आइए पंडित। क्या दर्द, आइए तशरीफ रखिए पंडित जी। पंडित जी, शहजादा हमारा बड़ा लाडला है पर दिल का बहुत अच्छा है। दिल का अच्छा नहीं है मास्टर साहब, दिल का बहुत बुरा है। हाँ मैं कह दे रहा हूँ, इसे समझा दो और कह दो इसे कि ये सब कुछ करना बंद कर दे, वरना वो हशर करूँगा कि सारी दुनिया देखेगी। अरे अच्छा मास्टर जी, मैं समझा दूंगा इनको, आप बेफिक्र हो जाए। और ये भी समझा दे मास्टर
कि पाकिस्तान का परचम लहराना बंद कर दे और नारे लगाना भी पाकिस्तान के बंद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो किसका अच्छा नहीं होगा पंडित, ये तो वक्त ही बताएगा। तुमने सिर्फ इन लड़कों को झंडे लहराते देखा है, जो ये बोल रहे होते हैं वो कभी नहीं सुना। वो क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भारत सरकार ये सारा कुछ देख रही है, और मास्टर ये बात सुन लो कान खोल के, अनकरीब बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ये सब चीजों का खात्मा हो जाएगा। किसका खात्मा होगा पंडित, ये तो बाद में देखेंगे। अरे छोड़िए आप इन बातों को, आइए मैं आपको इस्लाम के बारे में बता। अरे अपना इस्लाम अपने पास रखो, हमारा तो हिंदू धर्म ही ठीक है। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि आपका मुसलमान होने को दिल कर रहा है। वो मेरा सियासी बयान था, इस बिच्छू से जान छुड़वानी थी। हाँ इसे समझा दो कि ये सब काम करना बंद कर दे, अब वरना हशर अच्छा नहीं होगा। वाह पंडित, कैसा अकीदा है आपका कि एक बंदे के डर से आप अपना मजहब तब्दील करने के लिए तैयार हो गए। राम राम, हमारे हिंदुओं की कामयाबी का यही तो राज है, जिधर का रुख देखा उधर को मुड़ गए। पंडित ये मुनाफ़कत छोड़ दीजिए, वरना दुनिया आपका एतबार नहीं करेगी। अरे भाड़ में जाए दुनिया, ये हम जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी तुम मुस्लिमों पर ये इल्जाम है कि तुम हिंदुओं को बरगला के मुसलमान कर रहे हैं। हमने कभी किसी को नहीं बरगलाया पंडित, हमारे दरवाजे हर उस गाफिल के लिए हमेशा खुले रहते जिसे हिदायत की जरूरत हो। हमने कभी किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया। अपना फलसफा अपने पास रखो मास्टर, मैं तो समय सिर्फ ये बताने आया था कि अपने बेटे हैदर अली को इंडियन आर्मी के हवाले कर दो, और इन बालकों को भी समझा दो कि पाकिस्तान का परचम ना लहराएं और ना ही पाकिस्तान का नारा लगाएं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा पंडित, ये आजादी के मतवाले हैं, आजादी लेकर रहेंगे। राम 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 राम, देख लेंगे हम भी। राम राम राम। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भारत सरकार ये सारा कुछ देख रही है, और मास्टर ये बात सुन लो कान खोल के, अनकरीब बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ये सब चीजों का खात्मा हो जाएगा। घबराओ नहीं बेटी, ऐ अल्लाह हमें और हमारे कश्मीर को अपनी अमान में रखना, आमीन आमीन। नमस्ते मास्टर जी, मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए मुफ्त कि तुम कश्मीर छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना इब्रत का निशान बना दूंगा। वाह कैप्टन वाह, कश्मीरियों को बोल रहे हो कि कश्मीर छोड़कर कहीं और चले जाए? अरे कश्मीर कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, और इंशाल्लाह कश्मीरियों का ही रहेगा। कैप्टन तुम्हें कश्मीर से जलील और रुसवा के निकलना पड़ेगा। मास्टर कितने जालिम हो तुम, अपने मर्दों को मरवा रहे हो, और तुम ये जानते हो कि तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तारीख गवाह है कैप्टन, हमेशा वही कौमें सुरखरू होती हैं जो कुर्बानी देती हैं, और कश्मीरी भी अपने खून से तारीख लिख रहा है। मेरा ईमान है कि हमारी कुर्बानियां एक दिन जरूर रंग लाएगी। मास्टर तुम्हारे खून की कोई कीमत नहीं, और तुम्हारी कुर्बानियों की कोई कदर नहीं, तुम हमारे लिए भेड़ बकरियों की तरह हो। हम भेड़ जब चाहे तुम्हें
बारूद के ढेर पर बिठाकर उड़ा दे। हम भेड़ बकरियां नहीं, हम सच्चे कश्मीरी और पक्के मुसलमान हैं। और कैप्टन, डरो कैप्टन उस वक्त से डरो जब कश्मीरी नौजवान अपने हाथों में बारूद लेके तुम्हारी इंडियन आर्मी को कुत्ते की मौत मार देंगे। गुड, वेरी गुड। आज मैं समझा मास्टर कि तुम ही वो हो जो नौजवानों को हमारे खिलाफ वरगलाते हो, उनको बगावत पर उकसाते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं करो, नहीं करो कैप्टन, नहीं करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारा पांव पकड़ती हूँ। नहीं करो, नहीं करता सर, नहीं करता। अब तो मैं वो करूंगा जो जो दुनिया देखेगी। रब्बे कायनात, इस जुल्म से हमें बचा मेरे अल्लाह, इस जुल्म से हमें बचा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ रब्बे कायनात, तू देख रहा है तेरी जमीन पर क्या जुल्म हो रहा है। ऐ अल्लाह, कहां है मोहम्मद बिन कासिम जो एक पकार सुनकर खिदमत को मदद को हाल पहुंचा था। अल्लाह, रब्बे कायनात, कहाँ है सुल्तान बिन अय्यूबी जो मुजरिमों के लिए जालिमों से लड़ने के लिए आ गया था। अल्लाह, कहाँ है टीपू सुल्तान जिसने अपना सर कुफर के सामने नहीं झुकाया था। ऐ मालिक, कहाँ है वो मुसलमान जिनके दिन घोड़ों की पीठों पर और रातें मुसल्लों पर गुजरती थी। मेरे अल्लाह, आज भी वो मुसलमान जिंदा है। एक कैप्टन, आज तुझे यहां से कोई नहीं बचाएगा। सुन ले, कश्मीर का हर मुजाहिद टीपू सुल्तान है, कश्मीर का हर मुजाहिद सलाउद्दीन अय्यूबी है, कश्मीर का हर मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम है, कासिम। हैदर अली, आज मैं भगवान से प्रार्थना करके आया था कि आज तू मेरे सामने आ जाए, और वो दिन आ ही गया। हैदर अली, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाय हिंदू, तुझे कोई बचा सकता नहीं। आ 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 इसी तरह हर मुजाहिद हिंदुओं को मारेगा और हमारा कश्मीर आजाद होगा। आजादी।